हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। ये वीडियो सभी बैट्समैन के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा आप जिम में जाके क्या ट्रेनिंग कर सकते हो अपनी। जैसे कि आपको पता है आजकल का टाइम फिटनेस का टाइम है। सभी क्रिकेटर्स को आप देखते हो जिम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, खासकर इंडिया के कैप्टन विराट कोहली, और उनकी आप बॉडी भी देख सकते हो। तो अगर आपको आगे क्रिकेट खेलना है, अच्छा क्रिकेट खेलना है, अपनी फिटनेस अच्छी रखनी है, तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो तो अभी स्टार्ट कर दो, अच्छा टाइम है, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो अब मैं आपको बताऊंगा आप क्या जिम में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो, और दो पार्ट में वीडियो होगी। पहले पार्ट में मैं आपको अपर बॉडी बताऊंगा, दूसरे पार्ट में बताऊंगा आप लोअर बॉडी क्या क्या ट्रेन कर सकते हो, और ये भी बताऊंगा किस दिन क्या ट्रेन करना है। तो पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बैट्समैन के लिए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है पर अच्छा वीडियो होगा। सबसे पहले गाइज आपको क्या ध्यान रखना है, आप जब भी जिम में एंटर करोगे या कुछ भी फिटनेस आप कहीं भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर वार्म अप नहीं करोगे तो इंजरी होने के चांस उतने ही ज़्यादा है, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग करोगे, मसल आपकी अच्छी तरह ओपन नहीं हुई है और आप वेट उठाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको इंजरी होने के चांस उतने ही ज़्यादा है। तो आप हमेशा वार्म अप करें अच्छे से। वार्म अप के बाद आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा बॉडी पार्ट आपको किस दिन ट्रेन करना है। आप स्टार्टिंग में जाओगे, जैसे आप वीक में 3 दिन करोगे, एक दिन छोड़ के एक दिन करोगे, जैसे अल्टरनेट डे करोगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे आप बाइसेप के साथ ट्राइसेप ले सकते हो, आपकी सब मसल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप फोरआर्म्स ले सकते हो। अब बताऊँ कैसे कैसे करना है। चेस्ट के साथ शोल्डर कर सकते हो, क्योंकि आपको करनी है 3 ही दिन जिम। तो अब पहले दिन हम लेंगे चेस्ट और अपना शोल्डर, पहले दिन इसका करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कैसे आप चेस्ट का और शोल्डर का वर्कआउट करोगे, उसके आगे मैं आपको बताता हूं कैसे आप बाइसेप ट्राइसेप करोगे। तो सबसे पहले चेस्ट और शोल्डर अभी लेते हैं। तो गाइस जब भी आप चेस्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है हमेशा पुशअप से स्टार्ट करना है। वार्म अप आपको करने के बाद, थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद आपको पुशअप लगाने, अपनी बॉडी वेट उठाना है, थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं पुशअप लगा रहा हूं, आप देखो यही पोजीशन रहेगी। अगर आप बिगनर हो तो आप घुटनों पर भी लगा सकते हो, जैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे बिगनर्स पुशअप लगा सकते हैं, तो आपको ऐसे लगाना है। स्टार्टिंग में आपको पुशअप नहीं लगते तो ऐसे लगाने, सबसे पहले पुशअप लगाना है। इसके आपको 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट करने स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप 12-13-14 ऐसे बढ़ा सकते हो स्टार्टिंग में 10-10 करने। इसके बाद आपको बेंच प्रेस करनी है। स्टार्टिंग में चेस्ट का आपको ध्यान रखना है, सिंपल आपको बेंच प्रेस करनी है, आप देख सकते हो ऐसे। और वेट स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, आप कभी भी वेट ज़्यादा मत लो, इंजरी होने के चांस उतने ही ज़्यादा है। आप खाली रोड से मार सकते हो, जैसे ये ओलंपिया रोड है, आप खाली रोड से मार सकते हो। अब मैं आपको पोजीशन बता दूँ क्या पोजीशन रहेगी जब आप बेंच प्रेस करोगे। वेट जितना हो सकता है और हाथी ग्रिप देख सकते हो मेरे, आपको जितनी आपकी चेस्ट है, जैसे ये मेरी चेस्ट है हाथी ग्रिप, यहाँ पे देखो ये चेस्ट है, घुटने और यहाँ से यहाँ, और ऐसे आपको मेजर करना है अपने हाथ का, मेजरमेंट करना है हाथ का, और सांस आपको बाहर छोड़ रहे हैं। पोजीशन देख सकते हैं आप, वेट जितना हो सकता है स्टार्टिंग में आपको हल्का ही लेना है। स्टार्टिंग में वेट आपको हल्का ही लेना, कभी भी ज़्यादा वेट मत लो। जब आप धीरे धीरे करने स्टार्ट कर दो फिर आप वेट बढ़ा सकते हो, पर स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा वेट नहीं लेना है, आप खाली रोड से भी लगा सकते हो। और ध्यान क्या रखना है, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब मैंने किया तो मेरी चेस्ट थोड़ा ऊपर थी, और यहाँ पर आपको कर्व बनाना है अपने ग्लूट्स के, और ये वाला हिस्सा आपको कर्व बनाना है ऐसे, और टाइट रहेगी आपकी चेस्ट ऐसे, और ऐसे प्रेस करना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो गाइस इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 12 रेपिटेशन निकालने, 3 सेट करने, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको भी बताता हूँ चेस्ट का, अपर चेस्ट का इंक्लाइन बेंच प्रेस देख सकते हैं, यही मेरे पास आपको इंक्लाइन बेंच प्रेस का पोजीशन, और मेरी हाथ की पोजीशन देख सकते हैं। आपको हाथ कभी भी ऐसे नहीं करने, कुछ लड़के हाथ ऐसे कर देते हैं, सामने आपके हाथ रहेंगे और चेस्ट बाहर जाएंगे ऊपर, सांस बाहर, जब सांस छोड़ते हुए वेट आपको ऊपर उठाना है। आप देख सकते हो जैसे मैं खाली रोड उठा रहा हूँ, आपको भी स्टार्टिंग में खाली उठानी है, धीरे धीरे आप वेट डालना स्टार्ट करें, सिर्फ आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है स्टार्टिंग में।
जब आपकी बॉडी थोड़ा वेट उठाना स्टार्ट कर देगी, धीरे धीरे आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कम ही वेट उठाना है, इसके लिए आपको सेम रेपिटेशन करने, ये भी अच्छी है अपर चेस्ट के लिए। तो गाइस तीसरी चेस्ट की एक्सरसाइज में आपको डिक्लाइन बेंच प्रेस करना है। आप देख सकते हैं पोजीशन आपकी सेम रहेगी, पोजीशन को ध्यान रखना है, 10 से 12 रेपिटेशन ही करने। वेट जितना हो सके स्टार्टिंग में कम लेना, स्टार्टिंग में ज़्यादा वेट बिल्कुल भी नहीं लेना है, इंजरी के चांस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। ये आपकी चेस्ट का लोअर पार्ट के लिए है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I see is my own silhouette. इसके भी गाइस 10 से 12 रेपिटेशन ही करने। और अपर वो पहला हमने बीच वाला पार्ट था चेस्ट के लिए, वो भी वो स्टार्टिंग में अगर आपको टाइम नहीं है तो वो तो आपको करना ही है जब आप चेस्ट करो। तो गाइस चेस्ट की आपको लास्ट बता दूं, डंबल 5 आपको कैसे करने हैं। आपको बेंच चाहिए और पोजीशन देख सकते हैं आप। यूज करना है थोड़ा होल्ड करके, फिर सामने हल्का सा होल्ड, ऊपर आप देख सकते हैं पोजीशन। स्टार्टिंग में कम ही वेट लेना है गाइस, और ऊपर आते हुए चेस्ट आपकी टाइट रहेगी, जैसे मेरी चेस्ट टाइट रहेगी। ये पोजीशन है, इसके भी आपको 10-10 के पोजीशन निकालने, चेस्ट बाहर और ऐसे बाहर रहेगी। देखो चेस्ट अब भी टाइट है, ऊपर आते हुए भी चेस्ट टाइट रहेगी। अब मैं आपको शोल्डर बता देता हूँ, शोल्डर चेस्ट वाले दिन आप शोल्डर भी कर सकते हैं साथ में। और इसे जो मैंने आपको सब बताया इसलिए आप डंबल से भी कर सकते हो। डंबल जैसे अभी हमारे पास ओलंपिया रोड थी, ओलंपिया रोड से मैं आपको करके दिखा रहा था, डंबल से भी कर सकते हैं सेम सारी एक्सरसाइज। और अब मैं आपको बता दूँ शोल्डर के लिए आप एक रोड चाहिए आपको, जैसे ये मेरे पास रोड है, इसको खाली करता हूँ, 2 मिनट में खाली हो जाएगी, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। भाई जैसे खाली हो गई अभी रोड, आपको खाली लेनी है स्टार्टिंग में, उसके बाद आप धीरे धीरे वेट डाल सकते हो। मैं आपको बार बार ये की बोल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में वेट ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि गाइस इंजरी होने के चांस उतने ही ज़्यादा है, क्योंकि आपकी मसल में भी पावर भी उतना नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान यही रखना है। तो शोल्डर के आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं शोल्डर की पोजिशन आप देख सकते हैं, ये पोजिशन रहेगी और ऊपर शोल्डर बहुत ज़रूरी है गाइस। आप बैट्समैन हो, मिडिल का शरीर तो खासकर बहुत ज़रूरी है, बैट्समैन के लिए भी उतना ही जरूरी है। पोजीशन आप देख सकते हैं, और हैंड की पोजीशन भी गाइस देखें, हैंड की पोजीशन जैसे आपके शोल्डर जहाँ तक खत्म है वहाँ पे हैंड की पोजीशन और ऊपर। इसमें आप धीरे धीरे वेट डालना स्टार्ट करें, 10 के रेपिटेशन निकालें। ये आपने कंटेस्ट के 10-10 पीछे, और सेम आपको पीछे भी करना है, इसको थोड़ा वाइड करना है उसमें। जब आप पीछे करोगे यहाँ से सेम पोजीशन देख सकते हैं आप, पीछे भी मैंने कैसे पोजीशन पकड़ा हुआ है, बैक मेरी स्ट्रेट है, आपको भी ऐसे ही रखनी है। स्टार्टिंग में आपको निकालने जैसे मैं निकाल रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही निकालने, और वेट भी डाल सकते हैं बाद में आप, इसको आप डंबल से भी कर सकते हैं, डंबल से सेम ऐसे ही रहेगा। और शोल्डर के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है गाइस, और ये डंबल आप घर भी मंगा सकते हैं अमेज़न से, मेरे पास भी घर रखे हैं, आप भी मंगा सकते हो, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आपको कुछ भी सामान चाहिए जिम का या क्रिकेट से जुड़ा हुआ आप मंगा सकते हैं। इसमें धीरे धीरे वेट बढ़ा सकते हैं, सेम ही रहेगा आपका। एक दिन आप ओलंपिया रोड से करें, एक दिन वेरिएशन करके आप डंबल से करें, दोनों से बेस्ट रहेगा शोल्डर के लिए। और एक दो बता रहा हूँ आपको शोल्डर के लिए, क्योंकि शोल्डर भी बहुत मेन है। शोल्डर आपके स्ट्रांग होंगे तो छक्के भी आपके लंबे लंबे जाएंगे, और अच्छी स्ट्रोंग रहेगी आपकी पूरी बॉडी की। शोल्डर सबसे मेन है हमारे लिए, सेम वेट गाइस यही रहेगा, और हम ऊपर कर सकते हैं थोड़ा। इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है हाथ आपके ऊपर ना जाए, बहुत जिम में ऐसे करते हाथ ऊपर जाते हैं, हाथ ऊपर नहीं जाए सिर्फ हाथ तक। तो गाइस चेस्ट के साथ शोल्डर आप ऐसे ले सकते हैं, शोल्डर भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना दूंगा, अपर बॉडी की भी दूसरा पार्ट कल ही आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको सब जो एक्सरसाइज है वर्कआउट में डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए सेकेंड पार्ट में कल ही डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ऐसी जिम से जुड़ी हुई अपना ग्राउंड फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो लाता रहूँगा। और
सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। मिलते हैं गाइज कल ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।